नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। ख्वाजा साहब, बाबा की मर्जी से हुआ सब कुछ, हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ। ये जो डिज़ाइन वगैरह बनाए सब सब बाबा की डिज़ाइनिंग हुई है। ये जो ख्याल देते गए हम करते गए, हम गुलाम हैं, हम गुलाम। हुकुम उनका हुआ, उनका हुकुम हुआ, हमें काम करते गए। कोई गाइड नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। क्या मकसद क्या जी? मकसद क्या? मकसद अल्लाह का करम है, ख्वाजा साहब की दुआ है, कम्बल पोशा खादरी बाबा की दुआओं का सदका हमें ये मौका दिए उनकी खिदमत करने का। और ये मतीन कमेटी वाले और यहाँ के असबाब के सब लोग हमें ख़दम ख़दम पे हमारी मदद किए, सबके तरफ से इतना अच्छा हो गया हो। हाँ, हमारे फयाज भाई की भी फरमाइश, मतीन भाई का और सादिक भाई का, हमारे सीओ का बरकत है, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब हमें साथ दिए। तो हमें जो है बुजुर्गान दिन के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। इंशाल्लाह 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 कुछ सब सब अल्लाह की मर्जी से होता है, बुजुर्गों की दुआएं से होता है। अल्लाह जिसे हिदायत देता है वो होता है, ये काम होता है। हमारी तो औकात नहीं है, ये हमारे वालिद साहब का है कि वो बुजुर्गान के आशिक हैं, तो कहीं भी मौका मिलता है बुजुर्गान दिन के दरबार में तो हम नसीब वाले लोग हैं कि बुजुर्गान करते हैं। गरीब नवाज सरकार के तरफ से ये दुआएं हमारे साथ रहेंगी, बेशक बेशक। और बुजुर्गान दिन के दुआएं से ही हर चीज़ है, उनकी बरकत से हमारा कुछ नहीं है, वो ड्यूटी दिए हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं बस। अल्लाह का करम है जी, हमारा कुछ प्लान नहीं है। बुजुर्गान दिन हमको मौका दे के जो काम कराते हम करने के लिए तैयार है, हमारा कुछ नहीं है। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, जो सोचा था उससे बहुत खूबसूरत बना है। ये सब मेरे अब्बू की मेहनत का है, वो यही चाहते थे, उनको प्रॉपर्टी बनाना पसंद नहीं, उनको ऐसा बुज़ुर्गों की दरबारों को सजाना, बहुत ये खिदमत करना, इसमें उनको खुशी मिलती है।
उनको बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, वो सब उनको खुशी नहीं देता। या अभी दरबार का काम कराना, इनको जो बेहतर कर सकते हैं वो करने में उनको खुशी मिलती है। उसमें हम सब उनकी जितनी हो सकता है उनको और आगे करने की हम कोशिश करते हैं बस। हाँ, हर रोज़ आते हैं। जी जी, हम रोज, अब तो एक साल से तो रोज़ाना आना है इंशाल्लाह। अगर इनका बुलावा है, जब जब बुलाते हैं हम लोग तैयार है आने के लिए। हमारी कांग कैसी कुदरत आने की, इधर वो बुलाए तो ही आते हैं ना। यखिन शाह दरगाह में भी ऐसा ही काम अंजाम दिए, और मंगन पड़े में ख्वाजा मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद, वो भी इन्हीं के, इन्होंने उसे तामीर किया। इस बात में होस्कटे में एक दरगाह है राइट साइड में मिलते हैं वाइट कलर की, वो दरगाह भी उसमें भी काम किए, और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। इंतजाम इधर अभी जो है, देखो इधर लंगर खाना हुआ है, रोज़ दोपहर में इधर लंगर चलता है। ये बेंगलुरु को पहला लंगर खाना है जो बेंगलुरु में अभी कोसे भी इदारे के अंदर लंगर खाना नहीं हुआ। ढाई महीने से यह सिलसिला 3 महीने के करीब हो रहा है, और दोपहर को हर रोज़ इधर लंगर खाना चल रहा है, और गरीब इधर आके अपना खाना खा के पेट भर के जा रहे हैं। गरीब ही बोल के नहीं, लंगर यानी कि तब्रुक समझ के, अमीर गरीब जो भी है सब एक तब्रुक के तरह तकसीम हो रहा है, और लंगर इधर खा के जा रहे हैं। आप रोज़ आइए इधर, आप रोज़ नमाज बाद ज़ोहर। और क्या इंतजाम हैं यहाँ पे, वज़ू खाने वगैरह सब? इंशाल्लाह अभी तो बहुत बेहतरीन हो गया है, वज़ू खाना देख लीजिए आप, आपके सामने आप कवरेज कर सकते हैं बैठने के लिए, जो इधर नल है वज़ू के वो भी, वो वज़ू खाना भी देख लीजिए, और उधर जो टॉयलेट्स वगैरह जो हैं कंस्ट्रक्टेड वो भी देख लीजिए। अल्लाह के फजल से आज बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और आने वालों को अभी तकलीफ़ नहीं है इधर, और लंगर तो इधर चल रहा है। हर कोई भी इधर खाना पका के खिलाने के लिए, ये बाबा का दरबार ऐसा है, हर कोई छट्टी मनाता है, हर कोई पीर को मनाता है, कोई जुम्मा को मनाते हैं, हर कोई यानी कि इधर भूखा आने वाला कभी खाली नहीं जाता, पेट भर के ही जाता, तीनों टाइम पे भी खाना मिलता है इधर।